अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मटन करी। एक प्रेशर कुकर में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म किया है, जिसमें हम 2 पीस तेज पत्ते डाल देंगे, 1 टुकड़ी दालचीनी, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग। 1 मिनट के बाद हम इसमें 2 प्याज डाल देंगे मीडियम साइज के, बारीक चॉप करके। 3 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे बारीक चॉप करके। फ्लेम को हमने हाई रखा है, चलाते हुए अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन कर लेना है हमें। हमने मटन को गलने के लिए रखा है, तब तक हम कुछ मसाले तैयार करेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 छोटी टुकड़ी जायफल, जायफल का बिल्कुल छोटा पीस लिया है हमने, 1/4 जायफल का भी आधा जायफल है ये, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स, अगर ये नहीं है तो स्किप कर दें, 1/2 टीस्पून सौंफ, 4 से 5 बादाम, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 10 से 12। ये सारे मसालों को हमें बिल्कुल हल्का हल्का सेकना है, बस 1 मिनट के लिए, और फिर इनका पाउडर बना लेना है। प्याज का कलर बहुत अच्छा गोल्डन हो गया है, ऐसी ही प्याज चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए। हम इसमें मटन डाल देंगे 500 ग्राम, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा नमक भी डालेंगे। फ्लेम को हमें हाई करना है और मटन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह मटन को फ्राई किया हमने फ्लेम को हाई करके, ये स्टेप ज़रूरी है। आप जितना अच्छी तरह मटन को फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ, उतनी ही अच्छी मटन करी बनकर तैयार होगी। अक्सर ढाबे पे जब हम जाते हैं तो बड़े शौक से वहाँ की ग्रेवीज खाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि ऐसी घर पर क्यों नहीं बनती। ये रेसिपी को आप परफेक्टली फॉलो करके बनाएं तो आपको ढाबे का मज़ा घर पर मिलेगा इंशाल्लाह। मटन को फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटरों को हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप किया है मिक्सर में, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। गोश्त के गलने तक पकाना है, पहले हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे 1 विसल तक, बाद में फ्लेम को लो करेंगे और 8 से 10 मिनट पकने देंगे। कुकिंग के जो टाइमिंग्स हैं वो मटन के ऊपर भी डिपेंड होते हैं और प्रेशर कुकर पर भी होते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। मटन को चेक कर लेते हैं, मटन अच्छी तरह से गल गया है। फ्लेम को हमने ऑन करके लो पर रखा है, इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालें, हमने कश्मीरी वाली यूज़ किया है जो तीखी नहीं होती। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 4 टेबलस्पून दही, थोड़ा हरा धनिया और जो मसाले हम ग्राइंड करके रखे हैं वो भी डाल देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है, हमने दही डाला है इसीलिए, अच्छी तरह से चलाएं हाई फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से भून लिया है सारी चीज़ों को, हमने इसमें दही भी डाले हैं और कुछ मसाले भी डाले हैं, तो हम चाहते हैं कि सबका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम को लो करेंगे और 5 से 7 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से मसाले पक जाएं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरह मसाले भुना गए हैं, दही भी अच्छी तरह पक गई है। हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर लेंगे, ग्रेवी आप पर डिपेंड होती है, आप जितनी चाहें उतनी करें, और अगर आप चाहते हैं इस तरह इसे गाढ़ा रखना तो इस तरह गाढ़ा रखें। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1/4 कप के जितना, थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक के जूलियंस डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, हमने आगे भी हरा धनिया डाला है थोड़ा सा, आप ये भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मटन करी में। हमने इसमें पानी ऐड किया है इसीलिए हम थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस 3 से 4 मिनट पकाएंगे, फिर हमारी ढाबा स्टाइल गर्मा गर्म मटन करी तैयार हो जाएगी। हमने करी बनाने में ऑयल का इस्तेमाल किया है, ढाबों पर अक्सर घी में खाना बनाया जाता है, तो आप चाहें तो इस करी को घी में भी तैयार कर सकते हैं।